हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बन रहे हैं चिकन टाकोस। जैसा कि इसके नाम में है चिकन, तो ये चिकन का बनता है और इसको रोटी में रख के खाया जाता है। तो चलते हैं मेरे किचन में, जल्दी से बनाते हैं इसे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं बोनलेस चिकन और ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है। आप मार्केट जाइए और आसानी से इसको ले लीजिए और इसको हम अच्छे से धो लेंगे। अब हम इसमें करेंगे कट। तो हर एक पीस में मैंने अच्छे से कट लगा लेना है, जिससे कि मसाला जो है ना वो अंदर तक जाए। और कट करने के बाद डालेंगे हम इसमें कुछ अच्छे अच्छे से इंग्रेडिएंट, जैसे डार्क सोया सॉस 1 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, टोमेटो सॉस 1/2 चम्मच, सफ़ेद मक्खन 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। डालेंगे इसमें नींबू वो भी 1/2, दही जाएगा इसमें 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, तो क्रश करके हाथ से इसमें डाल देना है। और डालेंगे इसमें हम फ्रेश मिंट लीव्स, मतलब पुदीना। तो मैंने इसको लगाया था अपने गमले में, तो इसको मैंने तोड़ लेना है और इसको क्रश करना है। तो क्रश करेंगे हम इसको अदरक के साथ। तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी मैंने इसमें डाला है और दोनों को अच्छे से मैंने क्रश कर लेना है। फिर डाल देना है इसको हमने चिकन में। तो बहुत अच्छे से इसमें क्रश हो गया ये, इसको मैं निकाल कर डाल दूँगी। तकरीबन दोनों मिलाकर 1 चम्मच हो जाता है ये। और इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और अब इसको करेंगे हम मिक्स। तो बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर हमने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर मैदा और चीनी 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, बेकिंग सोडा 1/3 चम्मच, दही मैंने 1 कप भर के इसमें डाला है और इसमें जाएगा सफ़ेद मक्खन। आप कोई सा भी मक्खन इसमें डाल सकते हैं। और बाइंडिंग के लिए जाएगा इसमें तेल, तो इसमें कुछ भी डाल दीजिए आप, रिफाइंड भी डाल सकते हैं या फिर मेल्ट करके घी को भी डाल सकते हैं। और इसे में हम डालेंगे पानी और अच्छे से इसको अब हम एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डो बना लिया है, तैयार कर लिया है, इसको 1/2 घंटे के लिए हम रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जहाँ पर मैंने लिया है यहाँ पर मैदा, अरारोट या कॉर्नफ्लोर, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, भुना हुआ ज़ीरा 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, चिली फ्लेक्स, और अच्छे से अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये 2 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक कटोरे में पानी भी ले लिया है। तो इसका पीस उठाकर हम डालेंगे इसमें जो हमने मैदा और अरारोट का मिक्सचर बनाया था ना उसमें, और इसे अच्छे से हमने इसमें लगा देना है, मैदा अच्छे से इसमें चिपक जाए। और उसके बाद हम डालेंगे इस बाउल में जिसमें हमने पानी लिया था, और पानी जो लिया है वो ठंडा पानी है। जो क्यूब्स मैंने डाले थे वो पिघल गई हैं, तो लेकिन अभी भी पानी जो है वो ठंडा है। और इसको फिर से निकाल कर हम मैदे वाले मिक्सचर में डाल देंगे और इसे अब हम एक तरफ से लगाते हुए रखते जाएंगे। और इसे याद रखें अच्छे से झाड़ देना है, जिससे कि बहुत अच्छे से इसमें ग्रूव्स बन जाते हैं। बहुत अच्छे से हमने इसको झाड़ देना है। ये देखिए जब ये फ्राई होंगे ना तो और अच्छे लगेंगे। तो जब हम मैदे की कोटिंग करते हैं ना और पानी में डालते हैं, तो घबराइए नहीं, ज़्यादा मैदा अंदर नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है, मसाला उसी में लगा रहता है। और इसे अब हम पानी में डालेंगे और फिर से इसकी एक बार और कोटिंग करेंगे मैदे की, और इसे अच्छे से झाड़ के हमने रखते जाना है। ऐसे ही मैंने सारे पीसेस के साथ कर लिया है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और ये पीसेस भी मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसको डालेंगे इसमें और डीप फ्राई करेंगे बहुत ही हल्की आंच पे, जिससे कि ये जले ना और बहुत आराम से ये बन जाए। तो हमने इसको पलटते रहना है और देखते रहना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं 5 मिनट के तलने के बाद।
और अब हमने इसको निकाल लेना है। जो जो पक चुके हैं वो निकाल लेंगे, बाकी के पीसेस हम इसी में पड़े रहने देंगे। और जितने भी मैंने बाकी के पीसेस बनाए हैं वो भी हमने इसमें एक एक करके डाल देने हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो ऐसे ही करते करते हमने सारे चिकन के पीसेस हैं वो कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने जो डो बना के रखा था वो अच्छे से बैठ गया है अब, और अब हम इसको गोल गोल रोटी की तरह बेल लेंगे बड़ा सा, और इसमें एक बाउल रख के एक छोटी रोटी का शेप ले लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इसको बेल सकते हैं। और इसको हमने रखना है तवे पर 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए बहुत अच्छी सी इसकी रोटी बनेगी, एक नान टाइप की। और ये देखिए एक तरफ से बहुत अच्छे से ये सिक गई है, दूसरी तरफ से भी ये सिक गई है। तो ऐसे ही करते करते हमने बहुत सारी टाकोस बना लेने हैं, रोटियां इसकी बना लेनी हैं। तो जल्दी से इसे मैंने बना लेना है। एक साथ मैंने 3-3 डाल दी हैं और वो भी हल्की आंच पर। बहुत अच्छे से ये पक भी रही है, एक तरफ से बहुत अच्छी सी पक गई है। और बस ऐसे ही करते करते मैंने बहुत सारी बना ली, और चिकन भी मेरा रेडी है और रोटियां भी मेरी रेडी हैं। तो हमने लेनी है एक रोटी इसमें से, तो हम लेंगे एक रोटी और उसमें हम रखेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी रखने के बाद हम इसमें एक चिकन का पीस रखेंगे और ऊपर से हम लगाएंगे इसमें मेयोनीज़, थोड़ा सा डालेंगे ऊपर से चाट मसाला। बहुत अच्छा ज़्यादा टेस्टी आता है इसका फ्लेवर, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इसको घर पे ट्राई कीजिए, ये बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।